खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आपको लगातार एबीपी न्यूज सुबह से बता रहा है, सनी देओल को भारतीय जनता पार्टी ने गुरदासपुर से अपना उम्मीदवार औपचारिक तौर पर अब घोषित कर दिया है। जी हां, सनी देओल जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अब खबर आ गई है औपचारिक तौर पर बीजेपी की जो नई लिस्ट आई है उसमें सनी देओल गुरदासपुर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। पंजाब के गुरदासपुर वो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान से लगा हुआ, जहां से विनोद खन्ना कभी सांसद हुआ करते थे बीजेपी के। अब सनी देओल उनको रिप्लेस करेंगे उस सीट पर, बीजेपी की तरफ से उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही एक और खबर है, चंडीगढ़ से किरण खेर को दोबारा टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। किरण खेर भी जानी मानी एक्ट्रेस है, फिल्म अभिनेत्री है, अनुपम खेर की पत्नी है जाने माने एक्टर की, उनको बीजेपी ने एक बार फिर चंडीगढ़ से अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो 2019 के चुनावों में गदर मचना अब तय हो गया है। गदर सनी देओल की एक सुपरहिट फिल्म थी और वही गदर मचाने सनी देओल की एंट्री अब भारतीय राजनीति में हुई है बीजेपी के रास्ते से। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस गुरदासपुर से बीजेपी सनी देओल को चुनाव लड़वा रही है, क्या वहां पर सनी देओल गदर मचा पाएंगे? बीजेपी के मुकाबला बलराम जाखड़ के जो बेटे हैं सुनील जाखड़, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनसे होने वाला है। तो क्या सनी देओल का ये गदर घातक होगा जाखड़ साहब के लिए? इनके दिल में जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया। राष्ट्रवादी छवि के अभिनेता आज से राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रही पार्टी के नेता बन गए। सनी देओल ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। मोदी सरकार में मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लेकिन मेरा फिर भी आग्रह है कि सनी पाजी अपना 2.5 किलो वाला भाषण अभी आप लोगों के सामने करें। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं उसे मुझमें एक हिम्मत दी है कि जरूर, जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहां मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। सनी देओल फिल्मों में निभाए अपने राष्ट्रवादी किरदारों की वजह से जाने जाते हैं। द मोमेंट वी गॉट टू नो दैट ही इज कमिंग इनटू द पार्टी आई कुड ओनली रिलेट टू द फिल्म बॉर्डर दैट ही हैड। गुरदासपुर सीट पंजाब बॉर्डर पर है, यहां से बीजेपी के टिकट पर विनोद खन्ना 4 बार सांसद रह चुके हैं। सनी देओल भी पंजाब के मूल निवासी हैं और विनोद खन्ना की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी उनकी राष्ट्रवादी छवि का सहारा लेने वाली है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के एजेंडा सेंटर में राष्ट्रवाद सबसे आगे है। बीजेपी भी ये बखूबी जानती है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटी गुरदासपुर सीट से सनी देओल को उतारा गया तो लोगों के जहन में गदर फिल्म जरूर आएगी। सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे हैं तो स्टार्ट शुरू से साथ में रहा, लेकिन सनी देओल को शोहरत की बुलंदियों तक उनके दमदार अभिनय ने पहुंचाया। अब ये 2.5 किलो का हाथ जब भी उठेगा तो बीजेपी के लिए लोगों का अभिवादन करेगा। 62 साल के सनी देओल को बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करना है, जैसा उन्होंने फिल्म माँ तुझे सलाम में किया था। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र बीजेपी के टिकट पर 2004 में बीकानेर से सांसद रह चुके हैं, जिसका जिक्र आज सनी देओल और पीयूष गोयल दोनों ने किया। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहां मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे। पिता की तरह ही सनी देओल ने बीजेपी का हाथ थामा है और गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 1998 से लेकर 2009 तक अभिनेता विनोद खन्ना गुरदासपुर से सांसद रहे। विनोद खन्ना की मौत के बाद 2017 में हुए उपचुनाव में
बीजेपी कांग्रेस के हाथों हार गई। अब वापस गुरदासपुर सीट पर बीजेपी कब्जा चाहती है, जिसे दिलाने का जिम्मा सनी देओल के ऊपर है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। सनी देओल ने एक्शन, ड्रामा, ट्रेजेडी, लव स्टोरी, कॉमेडी, हर तरह की फिल्मों में काम किया। जीत, जिद्दी, घायल, घातक जैसी कई हिट फिल्में दी। इन्हीं किरदारों की वजह से सनी देओल बीजेपी के फेवरेट लिस्ट में आ गए। सनी देओल ने अब तक फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब उन्हें देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करना है। साथ ही वो तारीख भी आ चुकी है जो उन्हें बड़े नेताओं के बराबर ले आए। आज की तारीख में सनी देओल बीजेपी के हो गए, लेकिन 19 अप्रैल को अमित शाह से हुई मुलाकात इस कहानी की स्क्रिप्ट लिख दी थी। 19 मई को आखिरी चरण में गुरदासपुर में वोटिंग हुई। 23 मई को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर देखिएगा।